सिंह जी जी के लिए। के लिए हैं हैं और हमारे साथ में मौजूद सर जी, मतलब बड़ा बच्चा है बहुत, बहुत ज़्यादा अभी तीन 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 लास्ट मतलब। वाली फिल्म देखी आपने कैसा लगा बहुत रोना आया रोना आया कैसा <laughs> बेटा है ये रहा है कोई बात नहीं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू क्या बात है ज़ोरदार तालियाँ चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही प्यारे हैं बहुत ही अभी मैं उनसे आधा घंटे बात कर रहा था मुझे बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी काजल अग्रवाल प्लीज़ जोरदार तालियाँ आइए काजल उधर रणदीप को प्लीज़ ज़रा माइक्रोफोन दीजिए चल रहा है आज अपन ने ओने ओने हां ये ऑन या ओके रणदीप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे यहाँ पे सभी लोग और जैसे कुछ समय पहले मैं बाहर बात कर रहा था आपसे कि यार ये फिल्म अपने आप में यूनिक है अगला स्टाइल है क्या लगता है आपने जितनी फिल्में की है आज तक उसमें और इसमें क्या फर्क है आ, एक तो हेलो एवरीबॉडी एक तो ये मेरी पहली बोनफाइड कमर्शियल लव स्टोरी है अब तक मैं या तो लड़की छोटी या बहुत बड़ी या बहन या कुछ <laughs> इसमें ऐसा कुछ नहीं है मेरी पहली बोनाफाइड कमर्शियल लव स्टोरी है और uh, मैंने कभी uh, अपने करियर में किसी को घुसा नहीं मारा था फिल्म में वैसे तो काफ़ी हो जाता है हमारा नहीं <laughs> फिल्म में नहीं मारा था तो मेरी दीपक तिजोरी ने मेरी सारी भड़ास एक ही पिक्चर में सब निकाल दी सो इट्स वेरी स्पेशल एंड ऑफकोर्स Uh, we've got uh, beautiful Kajal Agarwal in the film. It's a very unique film. It's about two people who are uh, lonely souls in a foreign city and uh, how they meet and what happens. So I think love is love and fate are very related. Kajal, <laughs> Hi, everybody. तो इस फिल्म में यार मतलब कमाल है मतलब आपने अंधे की भूमिका निभाई इसके पहले आपने स्पर्श या तो फिर बहुत सारी फिल्में देखी क्या इंडस्ट्री की जी ऑफ कोर्स कौन कौन सी देखी देखी थे? थी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फिल्म्स आई सॉ सेंटर फॉर वुमेन ओके एंड आई सॉ स्पर्श यस आई सॉ ब्लैक सो दिस अ मेल एक्टर्स ब्लाइंड है हां सो व्हाट तो वैसे तो कुछ नहीं किया नो आई थिंक इट डस नॉट डिपेंड ऑन वेदर द पर्सन इज अ मैन और अ वुमेन इफ अ पर्सन कैन नॉट सी द पर्सन जस्ट कैन नॉट सी इट्स तो तो मजा आया कि नहीं आया क्या बेटा सुनाई ना नहीं सॉरी नहीं देखी अब तो काफी लेट हो गई है पार्ट टू में देखूंगी बेटा <laughs> डीवीडी भेज दो जल्दी ओके <laughs> <laughs> okay, काजल अधिकतर ऐसा होता है कि जब आप इसमें आप एक भूमिका ऐसी है जी इसमें ज्यादा मजा आया कि नॉर्मली जब आप डांस करती हैं लोगों के साथ और हीरो के साथ आंखों में आंखें डाल के डायलॉग बोलती हैं उसमें ज्यादा मजा आता है um... दोनों टाइप ऑफ रोल्स में मजा आता है लेकिन ये रोल बहुत ही चैलेंजिंग था क्यों uh, क्योंकि first of all, ये क्योंकि इस ये इसमें भी उम्र था ओ, अच्छा <laughs> भाई बन बन जाएगी भाई ये headline बन जाएगी आज है ना अपने मुंह से बोल दो कोई बात नोट uh, मैं, मैं कह रही थी कि uh, ऐसी फिल्म में uh, बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि यू हैव टू बी वेरी पर्सन

रणदीप उपर ना नहीं इनके ऊपर नहीं हाँ। uh, कुछ सामान था उधर एंड आई हैड टू ट्रिप अगेंस्ट इट जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ओह क्या बात है जोरदार ताली होनी चाहिए रणदीप के, के लिए काजल के लिए एंड जनती भाई प्लीज कम ऑन स्टेज दंती भाई के लिए एक बार जोरदार जोड़ताली चाहिए आई काजल जनती भाई ऐसी फिल्म के साथ जुड़ना बहुत ही मेरे हिसाब से बड़े नसीब वाला मामला है क्योंकि ऐसी कहानियां बनती नहीं मेरे भाई वरना आप जानते हैं आजकल कैसी बन रही है करूं तक? ये फिल्म ने और बहुत ही अच्छी फिल्म है और मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि ये भट्ट साहब की याद दिलाएगी भट्ट साहब की पिक्चर ऐसी होती है तो दीपक क्रॉस कर लेगा भट्ट साहब को ऐसा लग रहा है क्या बात है जोरदार तालियाँ बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपकी तरफ से मतलब आपने अपनी जिंदगी में कम से कम सैकड़ों तो बोल सकता हूं इतनी फिल्में तो आपने हैं, कर ली होंगी उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा शेट्टी प्लीज कम ऑन द स्टेज धीरज के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए धीरज कम एंड uh, अविनाश धवल एक बार जोड़ा ताली चाहिए धवल के लिए एंड इस फिल्म के डायरेक्टर धवल आना बेटा इधर आना तू मेरे बाजू में रहे ना यार ये सबसे है। सबसे है। क्योंकि इसको इतना परेशान किया एंड दीपक इस फिल्म के डायरेक्टर एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दीपक के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए दीपक भाई बहुत सालों के बाद फिल्म और इस फिल्म ने वाकई जब मैं पहली बार प्रोमो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये किस डायरेक्टर कौन है लेकिन लास्ट में आते आते मुझे मालूम पड़ गया आपने नाम लिखा हुआ था तो कहाँ जैसा अभी बोला महेश भट्ट साहब का इम्पैक्ट क्या है वाकई है इस फिल्म में आ, ये ऑब्वियसली मैं ये मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि शूटिंग करते वक्त मुझे हमेशा ही भट्ट साहब की याद रही और उनके साथ में इतनी फिल्में मैंने की हैं सो डेफिनेटली वर लॉर ऑफ मोमेंट्स दैट आई हैव रिकलेक्टेड वाइल्ड

तो एक्चुअली इन्होंने अडेप्ट किया काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए हैं लॉट ऑफ चेंजेस वी हैव डन इन दैट बट इट इज़ अ वंडरफुल लव स्टोरी एंड वी ऑल लव्ड इट आई मीन हुआ ये था कि जब मैंने जी से सुनी उसके बाद हम लोग प्रोड्यूसर के पास गए थे प्रोड्यूसर्स ने ओबियसली सुनने के बाद डिसाइड किया कि दिस वुड बी देयर फर्स्ट फिल्म एंड इट वॉज अमेजिंग That we were all on the same page. And then I definitely got in touch with Randeep because he was the first and the last choice. And uh -oh. I was very fortunate that he said yes to it. So it was a uh, very, very good moment for me because that was like the first triumph. And then the whole journey for getting the girl. So that is how then we uh, thought of a Deepak is good at getting the girl. <laughs> we wanted to have a very fresh couple and uh, not a very casting which was, uh, you know, going to be very typical. <laughs> and then obviously I had always, uh, you know, uh, realized that uh, there was a lot of potential. A lot of girls over from here are working in the south and that is obviously when, uh, that's a time when we thought of Kajal. And she's a huge star over there and obviously I'd seen uh, two of her films earlier. So I always thought that the potential is really good and it was always untapped in Bollywood. So. I approached her and that is how you know she came on board. मैंने ये फिल्म काफी टाइम पहले देखी थी और मुझे लगा था कि कोई हिंदुस्तान में ये फिल्म बना क्यों नहीं रहा है लो बिहोल्ड दीपक तिजोरी एक दिन ये फिल्म लेके आते हैं मुझे ये फिल्म बनानी है और दीपक के अंदर मुझे एक नई आग एक नया जोश और सिनेमा को बदल देने वाला एक, आ, एक, एक, नया जज्वा दिखाई दिया था आ, बोला <laughs> इस बार तो रणदीप मैं छोडूंगा नहीं एंड ही हैज डन अ ग्रेट जॉब एंड आई एम वेरी फॉर्चूनेट दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस लवली लवली लव स्टोरी क्या बात है काजल थोड़ी तारीफ तो मतलब बनती है रणदीप की uh, आप सबको पता है रणदीप के बारे में मैं इनके बारे में क्या कहूं नहीं आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है ऑफ़ कोर्स हाँ। oh, इनके साथ काम कोई बड़ी बात नहीं। हम जानते हैं। और कुछ <laughs> तो फिर आप तो सब कुछ जानते और क्या नहीं तुम ज्यादा चुके हैं ओके सनकी किस मामले में यार क्या बताओ ना जनरली लाइफ में ये भी सबको पता है ऐसा नहीं ये तो मुझे नहीं मानूता कैसा सनकी क्या हुआ बताओ ना बोल दू हाँ बोलो बोलो घर की बातें सब अपने वाले देखो पापा बैठे हैं यहीं पे सब घर के लोग हैं यहाँ हाँ देखो ये रमेश बैठा हुआ आलोक बैठा है सब अपने दोस्त लोग हैं हाँ बोलो बोलो क्या हुआ था नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं <laughs> मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ uh, मुझे लगता है कि रणदीप ऑन वेरी ऑनेस्ट नोट ही यूजली ही हैज दिस होल इमेज ऑफ बींग अ वेरी टफ वेरी

मैं खुश हूँ सर इतना बड़े बड़े एक्टर एक, एक छह महीने मैंने दो घंटे सवेरे मार्शल आर्ट्स और दो घंटे शाम को बॉडी बिल्डिंग की और उस सारे सेशंस के दौरान अविनाश राय पिक्चर के प्रोड्यूसर मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे ऐसा कभी नहीं हुआ कि पिक्चर का प्रोड्यूसर एक्टर को ट्रेनिंग करा रहे और बोले कि सर आप इतना डिफिकल्ट काम कर रहे हो मैं आपके साथ आता हूं अगर वो मेरे साथ ट्रेनिंग नहीं करते और मेरे हेल्प नहीं करते एज एन इंस्पिरेशन तो शायद मैं कुछ सेशन मिस कर देता सो आई एम वेरी थैंकफुल टू अविनाश अन्ना थैंक यू सर थैंक यू क्या बोलता है थैंक यू <laughs> अविनाश ऐसा नहीं लग रहा गलत प्रोफेशन में आ गए अपन प्रोड्यूसर बन गए एक्टर नहीं सर नहीं।, नहीं सर वो मेरा काम ही नहीं है एक्टर अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ इसमें मैं खुश हूँ सर अच्छा इनको काम बिजी कर रखा आपने ऑलरेडी बिजी है सर करने की जरूरत नहीं ऑलरेडी बिजी है और आदमी है तो उसको करने की मतलब आप छापने की तैयारी कर रहे हो बस पैसे छापोगे आप धीरेज इससे हमारे साथ में धीरे पहली फिल्म आपकी थी कैसे लग रहा है कौन बोला भाई भाई नाम बताओ आज तो सब बनी होगा नहीं हाँ। नहीं नहीं किसने बोला मजा नहीं है। मुझे तो बहुत ही मजा है क्या मजा है वही बिचारा जाना चाह रहा दोस्त फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोड्यूस करने में मजा आया और सेकंड टाइम मैं ऑपोजिट रणदीप साहब का हीरो रोमांटिक सीन है नो रोमांटिक सीन ओनली रणदीप के साथ हूँ

फाइटिंग चल रही थी फाइटिंग के दौरान उन्होंने दीपक ने कट नहीं बोला तो हम लोग लगे रहे तो हमारे आपस में टांग भिड़ी मेरी टांग मेरे टोज इसके शिन पे लगे और मेरे दो तीन टोज ऐसे घूम गए थे वहाँ पे तो उसको कोई नहीं सीधा करके शूटिंग तो कर ली मैं बोला यार मेरे पैर में लगी हुई है बोला सर कहाँ लगी हुई है <laughs> और दोबारा <laughs> तो <भारे> तोड़ दिए <laughs> तो इसको बोलते हैं कि यू नो केमिस्ट्री कि हड्डियाँ भी टूट जाए आप दिल की बात कर रहे हो

कपल टू वर्क विथ एंड माई प्रोड्यूसर्स धीरज एंड अविनाश हु एक्चुअली ऑलमोस्ट लाइक आई फेल लाइक ब्रदर्स आई वॉज वर्किंग विद दैम बिकॉज उनका अगर विजन सेम नहीं होता जो मैच आ रहा था तो आई थिंक इट वुड नॉट हैव इंपॉसिबल ये लगे रहें और सपोर्ट करते रहें एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट वी रीचड एंड धवल ऑफकोर्स इज़ पार्ट ऑफ द फैमिली सो We all and besides that the team at the back end, all the music directors who gave us such melodious songs, plus Ballu Saluja who's edited the film, and Mohana who's done the camera work. I don't know if he's here. Are you here? Mohana, he was supposed to come. Ballu he was supposed to come. Uh, and Parikshit and Kunal. The sound. Anybody here from that? Kunal. Here. Little team? Kunal. Where are you there? Are you there? Neva <laughs> Sundrai. Okay. Okay. Sound okay. okay. <laughs> all right. <laughs> सो ऑबियसली बैक एंड टीम इज बीन रियली रियली गुड सो आई आई होप आई हैविस्ड एनी बड़ी एंड आई रियली थैंक एंड आई अप्रिशिएट एवरीबडी इज हार्ड वर्क आई फाइनली फील दैट इट आई जस्ट होप्ट पेज ऑफ एंड थैंक यू जयंती भाई फॉर सीरियसली स्पीकिंग समिंग विद रिगार्ड्स टू भट साब एंड मी एंड इट रियली आई विल चेरिश दैट मोमेंट थैंक यू सबसे इम्पोर्टेंट जोर गाली होनी चाहिए स्टारकास्ट के लिए इनके लिए लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हमारे साथ धवल है सर इससे बड़ा आदमी नहीं है इस समय एक आई फॉरगॉट टू थैंक टी सीरीज अजय जी अजय जी वाज सपोज टू कम अह कांट कांट सी एंड ऑफ कोर्स माय को प्रोड्यूसर सिद्धांत जी एंड विकास जी हु आउट ऑफ द सिद्दार्थ जी इज हियर प्लीज सर प्लीज खड़े होइए सर खड़े होइए सर, हाँ सर ऐसा ऐसा हिसाब कीजिए सर ऐसा हां एंड ग्रेट मेनी थैंक्स टू अमीरा एंड सुनील वाधवा द टीम हु हैज एक्चुअली डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क प्लीज स्टैंड अप इन प्लीज खड़े होइए प्लीज सुनील सुनील आर यू देयर ही वाज और धवल सर ये फिल्म आपके ऊपर सर, सर ये धवल है आप लोग सब जानते हैं इसको कौन कौन जानता है इनको हाँ खड़ा कीजिए प्लीज इनसे आज आप लोग दस क्वेश्चन पूछेंगे अरे इसको ट्रेन करना है यार समझा करो उत्तराधिकारी है भाई समझा करो है ना जो भी प्रोड्यूसर कहीं ऐसे कोई ऐसे होता है तो जयंती भाई के पास यही उत्तराधिकारी है अभी अभी ये पेन नहीं है पेंसिल है <laughs> क्या बात है सर चरण का है सर आपके हो बन जाएगा पेन कुछ दिनों में बन बन जाएगा <laughs> सर चरण का है सर आपके मतलब क्या बात है बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहां पर इतना कीमती वक्त निकाला अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए एंड मैं चाहूंगा कि चलो क्वेश्चन पूछना चाहें प्लीज आप पूछें प्लीज बैठिए ना हाँ प्लीज बैठिए सुनाई नहीं दे रहा बॉस माइक दे दो मेरा सवाल है रणदीप मेरा सवाल है कि आ, आपने सरबजीत की थी उसके लिए आ, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था आपका तो क्या ये इस फिल्म में जिसमें आपने वेट गेन किया ये फिल्म की शूटिंग पहले हुई थी सरबजीत बाद में या इसके बाद आपने सरबजीत की अरे नहीं नहीं, सरबजीत तो अभी खत्म हुई थी यार नहीं ये मैंने मैंने पहले की थी इस फिल्म में मैं नाइन्टी किलोज का था और उसके लिए छः महीने सरबजीत ने मेरा फ्रिज मुझे प्रेम के गीत सुना सुना के बुलाता था प्रीतम आन मिलो और इसके अंदर फ्रिज बोलता था भाई अगर बंद नहीं करेगा तो ठंडा कैसे होगा <laughs> तो दोनों ऑपोजिट थी मेरे ख्याल से आ, इस फिल्म की ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि दो घंटा सवेरे मार्शल आर्ट्स मिक्स मार्शल आर्ट्स दो घंटा शाम को बॉडी बिल्डिंग और मैं हर एक हड्डी में जॉइंट में दर्द होता था तो मैं पेन किलर्स पे रहता था और मैं इतना मुझे खाना पड़ता था कि मैं दो दो तीन तीन किलो चिकन खाता था बॉयल्ड वो चबाना मुश्किल हो गया था तो मैं उसको पानी के साथ ब्लेंडर में डाल के लिक्विड बना के खाली पी लेता था तो बहुत ही मतलब बहुत ही जी जान मार के इस फिल्म के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की और कहीं ना कहीं सरबजीत की जो फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन थी वो इतनी डिफिकल्ट नहीं थी जितनी इसकी थी उसकी इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा डिफिकल्ट थी तो पर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दो लफ्जों की कहानी के लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट थी और इसमें अविनाश राय उर्फ अन्ना का हमारा मेरा बहुत बड़ा सहयोग रहा है अगर ये मेरी हेल्प नहीं करते और मेरे को इतना सीरियसली सपोर्ट uh, uh, नहीं करते तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाता काजल uh, आपसे सवाल है कि आप बहुत कम हिंदी फिल्मों में नजर आती हैं क्या इस फिल्म के बाद हम आपको रेगुलरली uh, देख पाएंगे uh, हिंदी सिनेमा में जी बिल्कुल

Uh, हमने डिसाइड किया था uh, कि हम लोग कांटेक्ट रखेंगे उसमें तो uh, वो फ़िल्म की फ़ाइट uh, की एक्टिंग करने की बजाय हमने ग्लव्स थोड़े सॉफ्ट पहने और uh, असली में कांटेक्ट फाइटिंग की उससे बहुत मेरे बहुत पड़ी काफ़ी जावड़े जबड़े पे मेरे लगी पेट में मुंह पे कान पे रॉकी के आई uh, मीन सॉरी धीरज uh, के भी कान पे लगी uh, और रियल uh, फाइटर्स थे वहाँ पे तो उनके साथ वो उनको बोलो ना कि यार अच्छा आराम आराम से करेंगे और जैसे ही क्राउड चिल्लाने लगता है उन लोग फॉर्म में आ जाते हैं और धर देते हैं आपको दो तीन <laughs> 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 वो एक्टिंग नहीं आती उनको बोले आई एम नॉट एन एक्टर यार एक्टर तो ठीक है बट यार अगला सीन भी तो करना है बट सो uh, so, बहुत ही डिफिकल्ट था वो इरफान खान करके एक मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर है जो सुपर फाइट लीग में फाइटिंग करता है हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ फाइटर्स में से है उसने मेरी हेल्प की थी तो वो बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग जुजित रेसलिंग वगैरह इंच बाय इंच एक जिम है परसोवा में वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करते थे तो वो ट्रेनर लोग मजाक करते थे कि सर यहीं पे बेड लगा लो ना यहीं पे आप मोस्टली टाइम तो इधर ही रहते हो सो वेरी वेरी टफ एंड द फाइट्स वर आर क्वाइट रियल बिकॉज वी के ट्राई एंड कैप द रियल मूव्स ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स एंड एंड देफकोर्स देर अ लॉट ऑफ इमोशनल कॉन्टेंट टू द फाइट एज वेल विच मेक्स इट More special, sir. Yeah. Is that true that uh, most of the f uh, MMA fight scenes are choreographed by you? Well, uh, because I was so much into it, me and Irfan Khan, and there was another choreographer. What's his name? Oh. Oh. Samir. Samir. So one fight uh, uh, which we shot in Bombay was uh, choreographed by Samir, but in the ones we did in uh, Malaysia was uh, between me and Irfan and the other fighters. They also used to come up with great suggestions. Um, it, 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 we didn't want to make it look like you know that fight key acting jewelry It's an emotional story, so every punch, every kick has an emotional connotation. it's a sense of getting to your goal, which is uh, to uh, you know make your beautiful uh, co-star uh, fall in love with you more.. Uh -huh. <laughs> किसी फिल्म को रीमेक बनाते वक्त सबसे मुश्किल काम क्या होता है आपकी नज़र में सर कहाँ हो भाई इधर आपके राइट में हाँ ओके okay. सॉरी <laughs> हाँ आ, क्या बोल रहे हो सर रीमेक फिल्म को बनाते वक्त सबसे मुश्किल काम क्या था आपके लिए आई uh, थिंक uh, जब भी रीमेक uh, बनाते हैं तो एक ज़्यादा uh, बोझ रहता है डायरेक्टर के ऊपर कि वो हु बहू नहीं लगनी चाहिए बिकॉज इवेंचुअली वो हम लोग हम लोग उससे इंस्पायर होते हैं हम उसको अडेप्ट करते हैं और ऑब्वियसली वो जो फिल्में हम लोग जहाँ से इंस्पायर होते हैं वो डुप्लिकेट uh, इसलिए नहीं कर सकते हैं बिकॉज उसके इमोशंस और हमारे इंडियन इमोशंस में फ़र्क रहता ही है नो मैटर वॉट सो आई थिंक ऑब्वियसली वी हैड टू डू अ लॉड ऑफ वर्क विथ रिगार्ड्स टू चेंजिंग अ लॉर्ड ऑफ थिंग्स इन दिस मूवी तो जब आप ओरिजिनल देखें और अगर आप ये देखेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा बहुत सारी चीज़ें हम लोग को चेंज करनी पड़ती है वी रियली कान जस्ट अडेप्ट बे इट इज़ सो दस लॉट ऑफ हार्ड वर्क विद गिरिश जी आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू गिरिश जी बिकॉज इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने डाली विच व क्रिएटिंग सच लवली इमोशंस बिटवीन द कपल एंड द डायग्स आर रियली रियली गुड सो आई थिंक इट इट इज़ It is kind of uh, cut away from the original uh, film, absolutely. But uh, it is a lovely adaptation. I'm sure you all will like it. Hi Deepak, straight. Hi. Uh, you know, Bollywood got exposed to mixed martial arts with Brothers that released last year, yeah. and even this film is based like has a mixed martial arts in its backdrop. So, how easy or difficult was it to for you to uh, uh, direct the mixed fight sequences? Because we have seen a certain kind of fight in that film yeah i think you know we were all worried actually me and randeep were uh, in fact when the trailers were coming out we were a little paranoid so we did go and see brothers and i was uh, after seeing brothers i was really relaxed and very easy and <laughs> 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 not at all worried because we both were kind of chilling about it that it's entirely a different ballgame the way they've gone about it and the way we've gone about it so i guess let's uh, let's uh, see it in the film and then talk about it and uh, uh, another question to mr. Jaintilal Gada.

के डिले हो गए कहीं वो तो डर तो नहीं गए नहीं नहीं वो धवला से डरे थे एक्चुअली धवला नहीं नहीं हमारी किस्मत अच्छी थी धवला धवला से बहुत डरते हैं और सो ब्रदर्स में क्या हुआ था ब्रदर्स में ना वो फाइटिंग के बारे में पिक्चर बन गई थी हमारी पिक्चर फाइटिंग के बारे में नहीं है हमारी पिक्चर एक लव स्टोरी है जैसे कि हर एक छोटे शहर में लगा लो या हर एक शहर में एक यंग एज पे कोई भी लड़का सोचता है कि मैं इतना ताकतवर हूँ या मुझे कोई बॉक्सिंग वॉक्सिंग आती हो ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को बचा सकूँ कोई छेड़ दे तो मैं मुंह तोड़ दूँ एक ऐसी एक फैंटसी होती है सब में जब शुरू शुरू में सब लोग जिम विम जाना शुरू करते हैं ऐसी लड़कियों में होती है कि मेरा मेरा जो बॉयफ्रेंड है या मेरा जो आदमी है वो इतना स्ट्रांग हो कि मुझे कहीं भी प्रोटेक्ट कर सके और मेरे लिए जान निछावर कर दे तो मेरे ख्याल से वो दोनों यंग

To go for it, like uh, since it was not there in the script earlier. You and mean apart then, from having to kiss me? <laughs> <laughs> but still, I'm sure there must be something for you to elaborate on it. Uh no, it was it was a part of the film, and it was uh, a very essential part of the film. Of course, earlier I had reservations and hesitations about it, um, but of course, after I understood the relevance of it in the script, and I understood how important it is to the story. Um, I agreed to it. I mean, this was a very professional thing, and it's not like the two of us got carried away or any such jazz. It, that's not even possible. And uh, we professionally <laughs> did our job, and that's about it. I mean, what more can I say about it? She, it's she, a very she, sensitive she, thing in the story. I mean, it's yeah. it's meant for a very sensitive emotional reason. This girl cannot see, so of course, the only way that she can uh, express her love to her man is by wanting some sort of physical contact. She, the only way she knows him is by touch.

अर्टी मतलब बहुत सारी चीज़ों को करना होता है बिल्कुल बिल्कुल मेरी मेरी सिस्टर जो कि इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर हैं और जो पोस्ट बाइल्ट्रिक केयर और हार्मोनल इंबैलेंस वगैरह की सो सो करती है उन्होंने मेरी बहुत मदद की मैं चाहूंगा कि कोई इसको घर पे ट्राई नहीं करे एक साल में तीस किलो मसल मास घटाना बढ़ाना ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है मैं बिल्कुल हेल्दी नहीं हूँ अभी भी तो मैं चाहूंगा कि कोई घर पे ट्राई ना करे पर जब मैं दो लफ्जों की कहानी कर रहा था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को वो इतनी यार, इतनी यार सॉलिड बॉडी बनाई अन्ना के साथ मैंने इतना मतलब यू नो जाट आदमी मतलब आई टू तो वॉक लाइक कि मैं दरवाजे में से निकल जाऊंगा खोलने की जरूरत नहीं है एंड टू टू लूज दैट टू लूज दैट फॉर सरबजीत इट वॉज वेरी हार्ड ब्रेकिंग इट वॉज अ वेरी हार्ड ब्रेकिंग डिसीजन दैट आई टुक Every day when I I was losing that muscle, I used to look at myself in the mirror and say एवरी डे वेन आई वॉज लूजिंग हार्ड बट I think uh, uh, जैसे कि बहुत सारे एक्टर्स बॉडी बना ke सिक्स पैक बना के बहुत लोगों के जहन में आ जाते हैं मेरे को थोड़ी अपनी हड्डियां निकालनी पड़ी जहन में आने के लिए तो हर एक का अपना अपना कुछ होता है तो बट आई आई एम ग्लैड दैट आई डिड इट एंडली विद्पिल

उनसे बहुत बातचीत हुई उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला uh, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैजेट्स यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में uh, हमने वो गैजेट्स एक्चुअली इंकॉपरेट किए हैं फिल्म में एंड दॉज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक दैट वी सॉ वेयर इफ यू इफ दे वॉन्ट अ पोर वॉटर इन टू से ग्लास यूजअली वी जस्ट पिकअअ द बॉटल एंड पोर वॉटर एंड सर्व इट दे पुट दाई फिंगर इन द ग्लास सो दैट द वॉटर डज नॉट ओवर स्पिल नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक कॉमन सेंस थिंग बट इट्स जस्ट दैट वी नेवर थिंक ऑफ इट बिकॉज वी डोंट रियली फील द नीड टू डू इट So uh, we've incorporated that in the film as well. And I'm really glad that uh, Deepak was there to actually see all this and interact with them along with me because we both understood the relevance of these things and we wanted to keep it as real as possible. And uh, of course, many um, in subsequent interact here, but there was this one special lady assigned to me named Calvina who taught me assisted walking techniques and who taught me a couple of things.

रदीप, आ, अगर डायरेक्टर आपका खुद एक्टर हो तो ये बेनिफिशियल होता है या इसमें कुछ गड़बड़ भी होती है शूटिंग नहीं बेहतर होता है उसे पता है कि एक्टरों पर क्या बीतती है ऐसे नहीं बैठ के ऑर्डर ही देते रहो उन्हें पता है भाई क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उन्होंने खुद कैमरा फेस किया एंड आई ऑलवेज लाइक दीपक एज एन एक्टर एज वेल एंड इट्स ऑलवेज एन एडवांटेज आई थिंक एंड द डिसएडवांटेज इज द डायरेक्टर्स हैव नॉट बीन एक्टर्स एंड आर बी एक्टर्स

Okay. Hi, Hi, Randeep. It's Soumya Verma from Zing. Hi. So, as you said, it's your first bona fide love story. So, who was your inspiration behind this whole role and who do you used to look up to as a romantic actor or something like that? Me? Yeah. <laughs> Why would I want to look at somebody else and do Maybe their, earlier their days thing? of your career or something like that? No, 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 no. I uh, Well, there's a phase of my career before uh, Once Upon a Time and there's after Once Upon a Time. सो वंस अपन टाइम के पहले मैंने अटेम्प्ट किया था वो सब पर किसी ने देखा नहीं किसी को पता नहीं मैं भी बात नहीं करता हूँ ठीक है बट उसके बाद से पहला वो है एंड नो आई आई थिंक यू नो यू हैव टू फाइंड इट ऑल विद इन यू आई मीन यू कैन नॉट बी एम्युलेटिंग पीपल देर आर एक्टर्स हुआ वेरी गुड एट एम्यूलेटिंग आई एम नॉट वेरी आई एम नॉट वेरी गुड एट मिमिक्री और एम्यूलेटिंग एनी आई एम वेरी बैड एक्चुअली हाई दीपक सो माई सॉरी सॉरी गो ऑन गो ऑन हाई दीपक कार्मिक वर्मा हेयर फ्रॉम माई कार्मिक क्वेश्चन टू यू इज दैट यू नो यू have a love affair with remakes i think one of the first films was a remake of identity uh, that was the first film uh, one of the first one films. of the one of the earlier films yeah, yeah. one of the yeah. 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 yeah sorry i i don't know which sure, one was sure. your first one no, no, but no issues. and now this one so tell me a little about that you know is that an inspiration that you always look out for and what's going to be your next remake uh i'll tell you uh, how it works is the school that i come from is very simple and it's a very straight film where we learn i learned from my mentor, that is Mahesh Bhatt. He has only one thing to say to us. Whenever we used to sit and you know admire and sit and listen to how he used to make films, how everything that we were growing with, when we were actors, we used to hang around. And there were a lot of huge you know, writers like Robinda and Sujidha and Akash Kurana, and the gang was always writing for Bhatsa. And we used to be actors who would be loitering around the sets in their uh, uh, sitting rooms and stuff like that. Every time that Budsap mentioned it always got stuck in my head. So every time a writer comes with a new concept he says let's not waste fucking time. Okay? There are millions of dollars which have been spent by people who have made films in different languages just adapt them. Do not waste time. <laughs> That's so Budsap. <laughs> Don't waste time. So it's very simple, you know. For uh, me to follow that, okay, every story, eventually what it comes to is that whether we look into it as a film being adapted, but any story that anybody is making today, all over the world, there has to be a germ somewhere where he is inspired from. So, how does it make it? Why is it so difficult for people to digest if we are just making another film and getting inspired from them? If you have a love story and you are my friend, if you tell me a love story, I get inspired, I'll make a film tomorrow, right? So does it is it a problem that's not a problem then why this is a problem? So I guess everybody should accept in fact even biggest of the biggest directors today we have Ansali, who has been inspired and who has made number of films back to back, which has been adapted. So I guess it is it is a very easy and a very simple pattern which I think what WhatsAppsab has taught me and if it is so, then it be so and you, do you have another inspiration uh, in the near future? For your, your love story, story. Uh, not my love story yes i mean of course i'll be making more films after this because i'm almost after half half an exile of 7 years i'm coming back and thanks to the whole team here that i'm coming back but yes i'm definitely going to make more movies and we are looking at uh, making films which are going to be entertaining randeep the next question is to you i tell you I'll, I'll tell you about the story part of it there are only four kinds of stories possible love story between two people love story between three people yeah revenge and a journey all stories come within these four generic gen genres all stories huh. my question to you is that you know you are one of the most versatile actors because you have chosen uh, characters and roles that are very unique from i did not have good career guidance that's why no but then that, thank god for not having that then <laughs> thank you

i played a character which was very close to me for a change when i was in college so that movie obviously holds a lot of uh, 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 personal uh, attachment for me but then my fantasy of watching bruce lee and uh, gone with the wind as a child i have come true in do Lavzon ki kahani where i am playing a bit of a bruce lee and i'm playing that romantic hero as well

Since the picture would have released by then, I don't think we are invited. <laughs> <laughs> okay, so where <laughs> you <so, laughs> celebrate? There, in south mein, or with Bollywood friends? You <laughs> are <laughs> I'm not too sure. Honestly, I don't have any plans as of now. She gets younger. Every, every year she gets younger by two years. That is true. <laughs> Thank <laughs> you, guys. I, Ek last Hi. question. Randeep, huh. Randeep here. Uh, yeah. uh. Randeep, you made your debut in 2001 and then after nearly a struggle of four years, you bagged your second uh, film. This year, you. It have was not a struggle. I was employed by Mr. Ram Gopal Varma in his factory. <laughs> I used to get yeah. thirty-five thousand rupees a month, <laughs> not to do any film. <laughs> okay. Because he was going to launch me in, in a big D film, which he did eventually. Yeah. Uh, Indie, yeah. Yeah. So this year, you have four releases in four months. Do you think Bollywood is really shining upon you, or you still have to struggle to get the perfect roles? Uh, see, I, I, I don't have a line of producers standing outside my door with bags of money. I don't think anybody has, but you can create a perception that you do. But uh, um, I get, I choose the best of what I get, and once I choose to do it, that's when I make it mine. So that is why maybe you're thinking. But having four releases in four months is very tiring. I have to face you people every month, and it is not very. Uh, although you guys are all very pleasant, but it's a very hard task to say all those things over and over again. <laughs>

हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक दौर था जब जैसा स्टार होता था वैसे रोल बन जाते थे आज का दौर ऐसा है जैसा कैरेक्टर होता है वैसा आ, स्टार बन जाता है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस रेवोल्यूशन को आप किस तरह देखते हैं क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हमारे पास रंदी है तो अदर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी इरफान खान तो इस रेवोल्यूशन को आप किस तरह देखते हैं आजकल बड़े स्टार्स भी आज इस आ, जो क्या बोलते हैं इसको एग्जाम्पल को एक्यूपाइड कर रहे हैं तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में मैं समझता हूँ सिनेमा हैज़ चेंज्ड फॉर गुड और ओबियसली उस टाइम पे हम लोग मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत ही लाचार थे हम लोग हेल्पलेस थे वी वर ऑलमोस्ट लाइक यू नो हम लोग अपंग थे हम लोग कुछ इस, सर्टन दायरे के बाहर जा नहीं सकते थे और आज ये माहौल है कि इफ द कॉन्टेंट इज डिफरेंट इफ द कॉन्टेंट इज़ गुड गु दैन यू डोंट हैव टू हैव टिपिकली सिक्स पैक एंड यू कैन जस्ट बी अ हीरो ऑफ अ हीरोटन कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म डजेंट मैटर वॉट यू लुक लाइक सो आई गेस टूडे कॉन्टेंट बींग द किंग एंड द काइंड ऑफ डिफरेंट सिनेमा विच इज कमिंग अप इज अमेजिंग इट्स अ बेस्ट टाइम आई थिंक ऑल फॉर द एक्टर्स फॉर द मेकर्स फॉर एवरीबॉडी थैंक यू यूज बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट टाइम क्या

I think Akshay is one actor who is really evolved with every film. I think he's he's the most evolving actor, you know, from his action image, he went comedy, and now he's doing both, and he's choosing very contentful films. So I'm very very glad that you're comparing me with him, even if it is just by the number of releases. But I look up to him. He's, a, he's, a very, uh, he's an actor who's always looking looking for growth. Uh, Deepak ji and Randeep, you that 10th of June. Ko, uh, mm -hmm. अमित जी की भी फिल्म आ रही है तीन तो कुछ डर लगता है आपको फिल्म की रिलीज करने से दीपक जी पहले आपसे जानना जा। लास्ट वाले सवाल वाले वही होते हैं चिल्लर जो बीच में बैठ रहे थे ना अभी, अभी अभी उंगली करते हैं इनको दीपक जी आ, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो आ, वो फिल्म ऑब्वियसली इट कैरीज लॉट ऑफ वेट उसमें बड़े बड़े महारथी हैं

आपके साथ में आपके साथ में तीन फिल्म रिलीज हो रही है दीपक जी आपसे जानना चाहूंगा कि आ, अभी अभी जयंती लाल जी ने कहा कि ये फिल्म जो है भट्ट साहब के फिल्मों की याद दिलाएगी और अभी अभी आपने लव स्टोरी की बात की तो हम ऐसा माने कि एक दिन आने वाले दिनों में आप फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे जैसी फिल्में बनाएंगे <laughs>

जी इस टाइटल की एक कहानी है अलग <laughs> इस टाइटल को मुझे मतलब इतने लोगों ने हिलाया है इस टाइटल को लेकर कि ये टाइटल चेंज होना चाहिए उसमें से हम तो भी मैं, एक बहुत नालाय... <laughs> मैं बहुत ही नालायक मैं बहुत ही नालायक आदमी हूँ मैं इस बात से नहीं हिला कि यही टाइटल होगा तो बस मैंने यही रखा एंड हो गया भाई लोग थैंक यू भाई लोग थैंक यू लेकिन थैंक यू सो